तो औरतों की हक के लिए लड़ती थी, चाहे आपकी हिफाजत के लिए खवातीन पुलिस स्टेशन हो या आपकी और आपके बच्चों के सेहत के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स या आपकी खुद मुख्तारी के लिए फर्स्ट वुमेन्स बैंक। शहीद मोतबा बेनज़ीर भुट्टो ने औरतों की जिंदगी बेहतर बनाए मगर फिर शहीद बीबी हमसे छीन ली गई। उनका अलम फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उठाया और बीआईएसपी कार्ड से गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाई। या एक सुबह के लिए नहीं, पहले दिन से ये हर पाकिस्तानी को औरत के लिए किया। हम जानते हैं कि जब पैसा घर की औरत को मिले तो वो बेहतर जानती है कि वो कहाँ खर्च करे। मुझे याद है बीआईएसपी की बेनिफिशरी जिनकी बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हुआ, बीआईएसपी के तहत वजीफा वसूल करने वाली एक खातून जो खुद गैर तालीम याफ्ता थी, बीआईएसपी के जरिए अपनी बेटी को पढ़ाया और एक डॉक्टर बनाया। आज वो और उनकी बेटी माली तौर पर बाख्तियार है और दूसरी की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी सियासी जमात तो सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं, और उनको सिर्फ इख्तदार की लालच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम का सोचती है, हमने हमेशा गरीब और मजलूम के साथ दिया है। शहीद मोतबा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम थी तो हर कैबिनेट की मीटिंग में उनका पहला एजेंडा हमेशा आवाम की जिंदगी आसान करने था। मेरे भाई बिलावल भुट्टो सरदारी ये वादा करते हैं कि जब इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा हमेशा पहला एजेंडा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। वो आपके लिए बोलेगा, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी वो वाहिद सियासतदान हैं जो महंगाई बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमात तो सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं, हम लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए लड़ते हैं। वो आपको बीच लड़ाने चाहते हैं, हम आपके लिए आपके हकूक के लिए और आपके रोजगार के लिए लड़ना चाहते हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो सरदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हकूक के लिए लड़ सके। पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा, और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। हम मिलकर पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना